बैक ऑन माई चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और फिर कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हियर यू कैन सी ऑलरेडी डेफिनेशन इज गिवन। राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी नंबर को फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना दैट आर प्राइम नंबर्स, और वो नंबर जो जिसका प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी डेफिनेशन क्या बोला गया कि किसी भी नंबर को, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना, और वो जो फैक्टर्स होता है, जो प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जैसे सपोज 24 एक नंबर है, 24 क्या है, एक नंबर है। ओके, इसे हम फैक्टराइज करें, कैसे फैक्टराइज करते हैं, इस तरीके से। कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 6, आता है ना फैक्टराइज करना, 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3। ओके, तो देखो, तो इसके लिए 24 के लिए क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद, 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो सबसे बेस्ट मेथड है फैक्टराइज करना। ठीक है, और फिर देखो इस तरीके से लिखा तो ये क्या है, प्रोडक्ट में लिखा, अब समझना, राइटिंग अ नंबर, जैसे कि 24 जो एक नंबर था उसे प्रोडक्ट में लिखा, ब्रेक करने के बाद 2 × 2 × 2 × 2 है ना, तो ये प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, दैट आर प्राइम नंबर, और ये 2 है जो, और 3 रिपीट क्या है, 2 और 3 है इसमें आया, और 2 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो यही ये जो प्रोसेस है किसी नंबर को फैक्टराइज करके उसके फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखना, और वो जो प्रोडक्ट वाला जो नंबर्स होता है वो कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते ताकि और क्लियर हो जाए। टुक सेकेंड क्वेश्चन, इट इज सेइंग राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210। अब 210 के प्रोडक्ट को लिखना है, प्राइम फैक्टर 210 को फैक्टर के प्रोडक्ट्स को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 210 को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, वी विल फैक्टराइज दिस 210। तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस 210 इज डिविजिबल बाय विच नंबर, इट्स बाय 2, तो वी विल गेट 105। नाउ इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, फिर ये किससे, 3 से डिविजिबल है, आप चेक कर लो। तो 3 से देखते हैं तो ये डिवाइड होता है कितनी बार में, 35 टाइम्स में। ओके, अगेन अब 35 है, ये 5 से डिविजिबल है कितनी बार में, 7, और 7 1 से डिविजिबल, तब तक इससे फैक्टराइज करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, अब बताओ इस 250 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते, इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में, इट मीन्स 2 × 3 × 5 × 7। देखो ये जितने भी फैक्टर्स थे जो कि सारे के सारे क्या ऐसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स, उसे किस में लिख दिया, प्रोडक्ट में लिख दिया, और यही क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यही क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका दूसरा मेथड भी है, एक और मेथड से हम कर सकते हैं। देखो एक तो 3 मेथड है, जिसमें फर्स्ट दो जो मेथड था उसमें मेरे को ये इजी लगा, तो इसलिए ये आप इसी तरीके से बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड जो कि है आपका फैक्टर ट्री, दूसरा मेथड क्या है, फैक्टर ट्री। ठीक है, ये क्या है बताते हैं, फैक्टर ट्री, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज, क्वेश्चन होगा फैक्टराइज 300। ओके, किसे फैक्टराइज करना है, 300 को, गॉट इट। तो हमने सबसे पहले यहाँ बगल में 300 लिख देना है। ठीक है, फिर सबसे पहले किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 2 से जब आप 300 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 150। ओके, अगेन इसे नहीं, फिर इससे क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसे डिवाइड करेंगे,
ओके, टू से फिर से डिवाइड करेंगे 150 को, तो टू से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 75। ओके, अब 75 को किससे डिवाइड किया जाए, 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, अगर 5 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 15। ओके, अब 15 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 5, बस ठीक है, क्योंकि ये देखो प्राइम नंबर ही आ गया ना, तो अब छोड़ देंगे, दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर। ओके, तो ये हुआ फैक्टर ट्री से फैक्टराइज करना, क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो आपको दिया गया है क्वेश्चन 150 है, सपोज आपको दिया गया 150 को फैक्टराइज करना है, तो इसका दो तरीका, एक इस तरीके से 150 वन तक डिवाइड करते जाना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, टू से डिवाइड हुआ इट विल 75, थ्री से डिवाइड होगा इट विल 2, देन 5, अगेन 5 से डिवाइड हुआ 5, या तो इस तरीके से, फिर 150 को इस तरीके से आप लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, प्रोडक्ट्स को ऐसे लिख दिया, ठीक है। दूसरा मेथड फैक्टर ट्री, तो फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, लुक 150 ये एक नंबर है, ओके, दो हैंड इसके बनाए, एक के तरफ सर्कल कर दिया और एक के तरफ रेक्टेंगल, टू से डिविजिबल, सबसे छोटा कौन सा नंबर, टू से डिविजिबल है ये, और टू से 150 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 75। ओके, नाउ इसे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसे छोड़ देंगे, फिर इसके दो हाथ, एक के तरफ सर्कल, दूसरे के तरफ रेक्टेंगल। ओके, अब ये थ्री से डिविजिबल है, थ्री से जब हम डिवाइड करते हैं 75 को वी विल गेट 25। ओके, नाउ इस 25 के भी दो हैंड, एक हाथ में सर्कल, दूसरे हाथ में रेक्टेंगल, 5 से डिवाइड है, 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5। इस साइड में लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और जैसे 2 को डिवाइड, 150 को डिवाइड किया 2 से, जिससे डिवाइड किया इधर, और जितना डिवाइड करने पे आया इधर, 75 को डिवाइड किया 3 से, फिर जितना डिवाइड करने पे आया यहाँ, ओके, 5 को डिवाइड, 25 को डिवाइड किया 5 से, और जितना डिवाइड करने पे आया, क्लियर। ओके, अगर समझ आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट करना ना भूले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।